धन्यवाद मैडम नायक। इससे बेहतर शुरुआत नहीं हो सकती थी महिला सम्मिट की, क्योंकि जिस बहस को हम अभी तक महिला अधिकारों की बहस के तौर पर लेते रहे हैं, उसमें लॉयर होने के नाते, एक निर्वाचित प्रतिनिधि होने के नाते, मैडम नायक ने एक नया एस्पेक्ट जोड़ा है कि महिला अधिकारों की पूरी बहस अंततः महिलाओं पर ही किस तरह भारी पड़ती है, है? और ये चर्चाएँ धीमे धीमे जगह जगह शुरू हो चुकी हैं। हमारे पास समय नहीं है, लेकिन हम फिर भी मैडम नायक से एक दो सवाल ज़रूर करेंगे, और एक दो सवाल अगर आप लोग करना चाहें, क्योंकि वो उन्होंने इस पर बहुत काम किया है, उनका शोध है, उनका रिसर्च है, तो शायद वो बेहतर ढंग से समझ सकेंगी। फिर ये महिला अधिकारिता की आपका एक्सपीरियंस जो बताता है कि आमतौर पर महिलाएँ दोनों तरफ से नुकसान में रहती हैं, हैं, वो उपेक्षित भी होती हैं, सताई भी जाती हैं, शोषित भी होती हैं, और उनके माध्यम से उनको सामने रखकर लड़ाई भी लड़ी जाती है, जिसका उनको नुकसान उठाना पड़ता है, है? तो ऐसी कौन सी कानूनी बदलाव हो सकते हैं जहां हम वो सही संतुलन स्थापित कर सकें, जहां महिला का को परिवार में, समाज में उसके सही ढंग से हक भी मिल सकें, और उस हक की लड़ाई में वो खुद ही ना खत्म हो जाए, ये भी सुनिश्चित हो जाए। देखिए, इसमें अधिकार और कानून तो बहुत हैं। सवाल अधिकार और कानून की कमी का नहीं है, सवाल इस बात का है कि हमारा जो सोशल फिनोमेना है, हमारे आसपास का जो सामाजिक परिवेश है, और समाज की जो सोच है, समाज की जो मानसिकता है, उसको बदलने की आवश्यकता है। हम केवल दिखावटी बातें करते हैं कि एक बच्चे फ्री होकर के चले, क्या आज कानून नहीं है? परंतु उसके बाद आज 3 साल या 1 साल या 6 महीने के बच्चे के साथ यदि रेप हो रहा है, तो वो बच्चे क्या करेंगे, उसके परिवार वाले क्या करेंगे? कानून महिलाओं से संबंधित एक नहीं हजारों हैं, और हर दिन उसमें संशोधन हो रहे हैं। सवाल ये है कि हमको अपने समाज की परिवेश, जो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, उनके सोच में एक परिवर्तन लाने की हमें कोशिश करने की आवश्यकता है। जब तक हम बेटा बेटी एक समान जरूर कहते हैं, परंतु यहाँ बैठी हुई किसी भी बहन से आप पूछ लीजिए कि वो यदि अपने बच्चे को, पढ़ी लिखी महिलाओं की तो मैं नहीं बात करती, परंतु पीछे जो हमारी बहनें हैं जो लोअर स्टेटस से आ रही हैं, वो आज भी यदि एक घर में एक ही उम्र के एक लड़की होगी और एक लड़का होगा, तो वो लड़की को किचन के काम में हेल्प के लिए जरूर ट्रेन करेंगे, पर लड़के को ट्रेन नहीं करते। तो लड़के को ट्रेन नहीं करते मतलब हम उसको एक अपर स्टेटस देते हैं कि तेरा काम सिर्फ ये, वो देखता है घर में कि उसका पिता कैसे शराब पी के माँ को पीटता है, बहन को गाली देता है, उसके बाद भी माँ और बहन उस पति को और उस पिता को थाली परोसने के लिए कैसे आगे रहती हैं, और कैसे उसकी लात मार खा करके भी उसको ओबे करती हैं। ये चीज़ यदि वो बच्चा देख रहा है, तो बड़ा होकर के यही संस्कार लेके पैदा होगा, और वो वही संस्कार अपनी पत्नी, अपने बच्चों के साथ फिर से उसकी पुनरावृत्ति करेगा। तो सवाल यहाँ पर है कि कानून से नहीं, हमको अपने सामाजिक परिवेश में आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। आप लोगों में से किसी को मैडम नायक से अगर कोई प्रश्न पूछना हो तो हाथ उठा दें, और हम अपनी इवेंट टीम से कहेंगे वहां तक माइक पहुंचाएं। एक दिलचस्प चीज़ इसमें समझ में आती है मैडम, कि हमने ये देखा लगातार कि जो दुनिया के कई सारे देशों के एक्सपीरियंस हमारे पास हैं, कि महिलाओं को जब शक्ति मिलती है तो वो पुरुषों की तुलना में ज़्यादा संतुलित ढंग से उसका इस्तेमाल करती हैं। ये स्वाभाविक परिस्थिति, अगर महिलाओं को शक्ति दी जाए, उन्हें ताकत दी जाए, उन्हें क्षमता दी जाए, तो वो पुरुषों की तुलना में संतुलित ढंग से इस्तेमाल करती। आपको इसीलिए सारे तानाशाह पुरुष मिलेंगे घरों में, भले ही कोई दूसरी परिस्थिति हो। तो लेकिन अब यहाँ दुविधा ये है कि अगर आप महिला को उस अपमान से, जिसका आपने जिक्र किया, उस उपेक्षा से लड़ने की शक्ति नहीं देंगे तो वो आगे आ नहीं पाएगी, और अगर हम उसको शक्ति देंगे और उस शक्ति को बाद में पीछे बैठा हुआ पुरुष पंचायत में अपनी प्रतिनिधि के सहारे चलाने लगेगा, तो उसे कैसे रोका जा सके? ये गहरी दुविधा है, और जैसे जैसे राजनीति में महिलाओं की हिस्सेदारी, उनका प्रभुत्व बढ़ता जा रहा है, वहाँ परोक्ष रूप से हमको उन्हीं उन परिवारों के पुरुषों का प्रभुत्व भी उतना ही बढ़ता दिखाई देता है महिलाओं के साथ। इसे कैसे हैंडल किया जाए, क्योंकि आप दोनों हिस्सों के बीच से आती हैं, आप कानून से भी आती हैं और चुने हुए प्रतिनिधि हैं, तो राजनीति से भी आती हैं। इसके सवाल का जवाब देने में 2 मिनट से थोड़ा ज्यादा समय लूंगी, थोड़ा संक्षेप में दीजिएगा प्रश्न आपके लिए। नहीं, इसमें इसलिए कि इसके पहले मेरे को एक जो चीज बतानी थी, मैं अमेरिका गई हुई थी IVLP प्रोग्राम में, 22 दिन रही वहाँ पे 84 कंट्रीज की महिलाओं के साथ,
वहाँ जा करके मैंने जब पूछा उन लोगों से कि आप कहते हैं मैं, क्योंकि मैं तो इस आरक्षण की वजह से मेयर बनी थी, आपके यहाँ आरक्षण क्यों नहीं है, या आपके यहाँ महिला प्रेसिडेंट क्यों नहीं बनी अब तक अमेरिका में, ये 2013 के सवाल था। तो मुझे एक चीज़ बहुत ही अजीब सी लगी कि अमेरिका में हिलरी क्लिंटन जब फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट के लिए आ रही थी तो उनको दो चीज़ों के लिए क्रिटिसाइज़ किया। मैं इस चीज़ को हर जगह बताती हूँ कि हम भारतीय बहुत अच्छे हैं उनके कंपैरेटिवली अमेरिका वालों से, वो ये कि इसका ड्रेसिंग स्टाइल अच्छा नहीं है और इसका हेयर कट अच्छा नहीं है। इस दो पॉइंट पर हिलरी क्लिंटन पहली बार प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेट नहीं हो पाई थी। आप सोच सकते हैं कि हमारे इंडिया में ऐसा होगा, नहीं होता। हमारे यहाँ होता है तो लोग कहते हैं कि भाई सरपंच पति, जनपद पति, जिला पंचायत पति या विधायक पति, सांसद पति, पर उसके बावजूद भी आज जो महिला प्रतिनिधि आ रही है, थैंक यू मैं राजीव गांधी जी को दिल से कहती हूँ जिन्होंने 73वां 74वां संविधान संशोधन दिया और आज हमारे विलेज अर्बन एरिया से 50% से ज़्यादा महिलाएं आ रही हैं। इसमें अर्बन में हमारी 33% महिलाएं आ रही हैं और ये सब कहीं ना कहीं स्ट्रगल तो कर रही हैं, वो कानून तो जान रही हैं, उनके पति उनको सपोर्ट करे या ना करे या जिस भी तरीके से, पर नाम तो महिला का है। और आज नहीं तो आने वाले 10 सालों में ये स्थिति बदल रही है और यदि 33% का जो रेगुलेशन है पास हो गया तो आने वाले दिनों में विधानसभा और असेंबली में भी 33% महिलाएं आएंगी, तो निश्चित एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा।